हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु सिंह अपने चैनल मधु निटिंग क्रिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज मैं आपके लिए ये ब्यूटीफुल बुनाई लेकर आई हूँ जो कि बनने में बहुत आसान और देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो फ्रेंड्स, इसको देखिए, ये इसमें मैंने 8 8 8 8 के मल्टीपल चार पैटर्न डाले हुए हैं और लास्ट में 3 फंदे एक्स्ट्रा डाले हुए हैं। तो टोटल इसमें मैंने 35 फंदे डाले हुए हैं, 32 एट हिट के पैटर्न का और 3 फंदा एक्स्ट्रा। तो और फ्रेंड्स, ये 12 रो का एक पैटर्न है, यहाँ तक फिर 12 फिर 12। इसमें मैंने 3 पैटर्न बनाए हुए हैं और इसमें उल्टे साइड से इसमें सारी सिलाइयाँ फ्रेंड्स उल्टी ही जाएंगी, हर सिलाई उल्टी ही निकलेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं हम इस पैटर्न को। तो फ्रेंड्स, इस बुनाई को बनाने के लिए मैंने 8 8 8 8 के चार पैटर्न डाले हुए हैं, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस, और लास्ट में 3 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। तो ये इसमें हमारे 35 फंदे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बुनाई की फर्स्ट रो बनाते हैं। एक तो ये एजिटिज का उतार दिया हमने, अब देखिए 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे और धागा अपने साइड, 2 फंदे उल्टे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 फंदे का एक पैटर्न हो गया, 1 2 1 2 3 4, 8 फंदों का एक पैटर्न हो गया। अब हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे बनाए तो हमारे बीच में 5 फंदे उल्टे हो जाएंगे फ्रेंड्स, 2 हमारे जो पहले वाले थे वो और 3 ये, ठीक है। अब देखिए 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, ये देखिए 1, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। तो ये देखिए हमारे 2 पैटर्न कंप्लीट हुए फ्रेंड्स। अब हम इसी तरीके से पूरी रो कंप्लीट करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, यही 8 फंदों का पैटर्न हम बार बार रिपीट करेंगे। आपका जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है आप उस तरह से रिपीट करते जाइए। अब देखिए लास्ट में भी 3 फंदे ही उल्टे आएंगे, शुरुआत में भी 3 फंदे उल्टे थे और लास्ट में भी 3 फंदे उल्टे, और ये एजिटेज वाला सीधा बना दिया। अब देखिए रो नंबर टू में सारे फंदे उल्टे उल्टे बनेंगे। देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, ये देखिए इस तरह से सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। 12 रो की बुनाई है फ्रेंड्स ये। तो इसी तरह हम पूरी रो उल्टी बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रो नंबर 3, 1 फंदा स्लिप किया और अपने साइड धागा किया, 2 फंदे उल्टे बनाए, ये देख। अब ये 1 सीधा और 1 उल्टा फंदे को हम आगे के साइड से इस तरीके से 2 का 1 कर देंगे ऐसे। अब देखिए 3 सीधे थे तो 1 तो इधर हमारा आ गया इसके साथ में, अभी इस जो बीच का फंदा है ये, इसके दोनों साइड हम जाली बनाएंगे ऐसे सीधे बना के, 1 जाली फिर से जाली बना के। अब ये देखिए इसको पलटेंगे इस तरह से और बैक लूप से 2 का 1 बना देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 और 7 7 फंदे हैं ये हमारे। ये हमारा इधर से फंदा चढ़ा नहीं था तो ये हम उल्टा बना रहे हैं फिर से। अब देखिए ये 3 फंदे हम उल्टे बना रहे हैं, 2 का 1 करने के बाद में 3 फंदे उल्टे बना रहे हैं, 1 2 3,
अब ये देखिए, एक उल्टा एक सीधा, तो इसको दो का एक कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा यहीं से पैटर्न रिपीट हो रहा है। फिर से देखिए, ये बीच का फंदा है, इसको हम यहाँ पर जाली डालेंगे। तो अब देखिए, ये दो का एक हो गया है। अब हम ये जाली है बीच वाला फंदा, तो इसको हम जाली बनाएंगे। एक जाली बनाई, फिर से अब ये पलट के दो का एक करेंगे बैक लूप से। ये देखिए, अब ये देखिए, तो यही देखिए फंदा हमारे बार बार इतना ही पैटर्न चलता रहेगा फ्रेंड्स, इसी को रिपीट करते रहेंगे। अब देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, तो दो फंदे ये उल्टे हो गए, अब इसको मिला के तीन हो गए। फिर धागा पीछे करेंगे और ये दो का एक करेंगे फ्रंट से। अब जो है ये दो फंदे बचे हैं, तो इसमें बीच फंदे में जाली डालेंगे। देखिए, एक जाली और ये बैक लूप से ये क्या, ये देखिए ऐसे एक और पैटर्न हमारा इस फंदे के साथ में हो गया कंप्लीट। अब फिर से रिपीट पैटर्न, एक दो फंदे उल्टे, दो का एक किया, आगे से जाली डाली, फिर से जाली डालेंगे और इसको पलटेंगे और ये बैक लूप से दो का एक कर दिया। ये देखिए, लास्ट में दो फंदे हमारे उल्टे आ गए, क्योंकि शुरुआत में भी दो फंदे थे, तो यहाँ भी हमारे दो फंदे उल्टे आ गए। तो ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो। अब ये देखिए फोर्थ रो पूरी हमारी उल्टी उल्टी जाएगी हर सिलाई में। तो इस तरीके से फोर्थ रो कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, रो नंबर 5, एक फंदा एज इट इज का स्लिप करेंगे, धागा अपने साइड लाएंगे और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे लाएंगे। अब ये देखिए, दो का एक करेंगे फ्रंट से सिलाई डाल के इस तरह से। अब यहाँ जाली बनाएंगे और ये तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब फिर से जाली बनाएंगे और इसको ट्विस्ट करके ऐसे बैक लूप से दो का एक करेंगे। तो ये बीच में हमारा ऐसा आ रहा है। अब देखिए, धागा अपने साइड। अब ये कितने फंदे हो गए, एक दो तीन चार, ये आठ फंदे हो गए। अब ये हमारा दूसरा पैटर्न शुरू हो रहा है। तो देखिए, एक उल्टा और ये दो का एक किया फ्रंट से, ऐसे जाली डाली, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर से जाली डालेंगे बैक लूप से, इसको फंदा सीधा करके, ये देखिए दो का एक। और फिर से रिपीट हो रहा है, देखिए बहुत ही इजी बनाई है फ्रेंड्स। आप बस बनाइए और किसी में भी डाल दीजिए, बहुत सुंदर लगती है ये बुनाई। यही आठ फंदे हमें बार बार रिपीट करते जाना है। लास्ट में एक फंदा उल्टा आएगा और एक एज इट इज का। ये देखिए, इधर भी एक उल्टा आया, तो इधर भी एक उल्टा आया। अब सिक्स रो पूरी उल्टी उल्टी जाएगी, सिक्स रो पूरी उल्टी बनेगी फ्रेंड्स। तो मैं बना के आती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, सेवन्थ रो एक फंदा स्लिप किया ये एज इट इज का। अब ये दो फंदे हमने सीधे बुने, पहले हमने उल्टे बुने थे, अब हम
सेवन्थ रो में सीधे बना रहे हैं। अब देखिए धागा अपने साइड करेंगे और ये बीच के पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर से धागा पीछे करेंगे और ये तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन, फिर धागा अपने साइड और पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, फिर से धागा पीछे और तीन फंदे उल्टे। तो ये देखिए पांच फंदों, ये आठ फंदों का पैटर्न शुरू हो गया है, पांच ये तीन ये फिर पांच ये फिर तीन ये, ठीक है। इसी तरीके से देखते जाइए आप, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, लास्ट में दो फंदे सीधे, एक दो और एक ये एजिटेज का। तो ये देखिए शुरुआत में भी दो फंदे सीधे थे, लास्ट में भी दो फंदे सीधे आए हैं फ्रेंड्स। अब देखिए रो नंबर एट उल्टी उल्टी जाएगी पूरी, ये देखिए एट्थ रो पूरी हम उल्टी उल्टी बनाएंगे इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स, पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स रो नंबर नाइन, एक एज स्टिच का स्लिप किया और एक फंदा हमने सीधा बनाया। अब देखिए इसको हम फंदे को ट्विस्ट करेंगे, ऐसे जाली बनाई और ट्विस्ट करके ये दो को एक कर देंगे बैक लूप से ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। अब बीच के ये तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, अब धागा पीछे करेंगे और ये फ्रंट से दो का एक करेंगे ऐसे। अब देखिए ये बीच का फंदा है तो इस बीच के फंदे पे हम जाली बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी वैसे ही दोनों साइड इसके जाली बनेगी। और ये देखिए इसको हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे इस तरह से और इस तरह से इसको जाली बनाएंगे ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। और बीच के तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, अब देखिए ये फ्रंट से हम बनाएंगे दो का एक करेंगे। अब ये बीच का फंदा आ गया एक, तो इसको दोनों साइड इसके जाली बनेगी और ये इसको ऐसे स्लिप किया और इसको बैक लूप से जाली बनेगी, ये देखिए। इसी तरह से पूरी सिलाई हम कंप्लीट करते जाएंगे फ्रेंड्स, दो तीन, अब ये देखिए क्योंकि ये उल्टा आ गया है तो ये फ्रंट से बनेगा ऐसे, और अब हम जाली डालेंगे ऐसे, तो एक जाली और ये बैक लूप से बनेगा, इसको ऐसे बनाएंगे और धागा अपनी साइड और तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर से जब फंदा इधर आगे होगा सीधा फंदा पीछे होगा तो फ्रंट से बनेगी और पहले सीधा फंदा होगा और उल्टा फंदा बाद में होगा तो बैक लूप से, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये फंदा सीधा आ जाएगा, ये यहाँ पर जाली डालेंगे और ये फंदा सीधा। अब देखिए रो नंबर टेन पूरी उल्टी उल्टी जाएगी, ये देखिए इस तरह से एक एज स्टिच का उतारा, जाली वाला फंदा भी उल्टा बनेगा
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह आप बनाते जाइए पूरा सिलाई उल्टी। अब देखिए फ्रेंड्स, 11th रो, 1 स्टिच का स्लिप किया और एक फंदा सीधा ये हो गया, एक ये जाली वाला हो गया फंदा, और ये देखिए हाँ, तीन फंदे हमारे होगा सीधे। अब इसको हम ऐसे पलट के ऐसे करके बनाएंगे, एक जाली डालेंगे इस तरीके से और पलट के दो का एक कर देंगे, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एक फंदा हम बीच में उल्टा बनाएंगे, सॉरी ऐसे धागा करके ये उल्टा बना दिया, फिर से धागा पीछे करेंगे और ये फ्रंट से दो का एक कर देंगे, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जाली डालेंगे और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर से जाली डालेंगे और ये देखिए इसको पलट पलट के सीधा करेंगे और दो का एक बना दिया। अब अपने साइड धागा करेंगे और एक धागा उल्टा, एक फंदा, अब ये दो का एक करेंगे फ्रंट से। अब फिर से जाली डालेंगे और ये तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर से जाली डाली और ये पलट पलट दिया हमने और ये दो का एक कर दिया बैक लूप से। फिर से आ गया है एक फंदा उल्टा बैक लूप, फ्रंट लूप से दो का एक किया, जाली डाली, एक दो तीन फंदे सीधे बनाए, फिर से जाली डाली, इसको पलट दिया हमने फंदे को, ऐसे करके ये देखिए। अब एक फंदा फिर से उल्टा बनाएंगे बीच में, ये दो का एक करेंगे फ्रंट से और यहाँ जाली बनाई और ये तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, ये देखिए फ्रेंड्स, ये 12 रो है, तो 12 रो उल्टी उल्टी बनाएंगे। देखिए इसमें तो हर रो उल्टी ही बनेगी 12, इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं उल्टी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 12 12 फंदे आप बार बार रिपीट करेंगे तो ये बुनाई बनती जाएगी। अब मैं आपको एक फर्स्ट रो बना के और दिखा देती हूँ, जिस जहाँ से आपको रिपीट करना है तो ये कैसे रिपीट होगी ये देख लीजिए एक बार। एक सिलाई बना के दिखा देती हूँ। एक स्लिप किया फंदा, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे और ये एक दो। अब ये देखिए तीन फंदे ये वाले सीधे हो जाएंगे, एक दो तीन, धागा अपने साइड। अब ये जाली के पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, धागा वापस। अब तीन फंदे सीधे, एक दो तीन और पांच फंदे ये उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, फिर से धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप बनाते जाइए अपना, लास्ट में तीन फंदे उल्टे और एक एज इट इज का सीधा बना देंगे। तो
ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अभी एक दो पैटर्न और बना के दिखा देंगी, जिससे आपको जो है ये पैटर्न का लुक समझ में आ जाए। बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही इजी पैटर्न है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं दो पैटर्न और आपको बना के दिखा दूंगी, जिससे आपको लुक समझ में आए। मिलती हूँ मैं दो पैटर्न और बना के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर बना के छोड़ा था 12 रोज, फिर 12 रोज, फिर 12 रोज, दो बार और 12 रोज बने बनाए हैं। तो ये इस तरीके का दिख रहा है फ्रेंड्स। अब देखिए, तो फिर फ्रेंड्स आप इसको बनाइए और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलती हूँ किसी नई बुनाई के साथ में। ओके, बाय बाय।